हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ पॉलिटेक्निक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट तो वो बेहतर ही है, लेकिन ऑल कंपटीशन के लिए भी है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बेहतर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक टावर के निचले सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा। देखिए एक टावर है, टावर तो एक सीधा स्ट्रेट होता है सीधा। फिर क्या बोलता है, टावर के निचले सिरे से 25 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण है। कौन कौन बना रहा, उन्नयन कोण। अगर अवनमन कोण बनाता तो ऊपर से लेते, तो बोल तो रहे हैं यहाँ पे निचले सिरा से। एक टावर के निचले सिरा से 25 मीटर की दूरी से, 25 मीटर की दूरी यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, दूरी से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा, 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की आपका ई एक्स मान लीजिए, और इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, उस पर आपको टेकआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात करना टावर की ऊंचाई, और आपको बेस दिया हुआ है, तो इसका संबंध किससे है, इससे है। तो ये देखिए ये क्या होता है, पी होता है, और ये क्या होता है, बेस। तो पी बाई बी किसका संबंध है, टेन थीटा। तो आप लीजिए टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी, तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ ले लीजिए 30 डिग्री इजकल टू पी का वैल्यू, पी का वैल्यू हो गया आपका एक्स, और बेस कितना दिया है, 25। तो टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इजक्ल टू एक्स, और वाई में क्या, 25। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, तो एक्स रूट 3 इजक्ल टू 1 को 25 इंटू करेंगे क्या देगा, 25। फिर गुना से क्या भागम, आपको क्या चाहिए, टावर को चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे एक्स रखिए और 25 बट्टा में रूट 3। तो यहाँ देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी में है, तो इसका बी को करेक्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में आपको घेरा को क्या करना है, गोल करना है। ठीक है, जो सही रहेगा उस पर क्या करना, आपको गोल करना है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 2, और फिर इस पर क्या है, स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 1 का 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और माइनस का माइनस, 4 में से 1 का कितना होगा, 3, यानी 3 का ऑप्शन जो है उसको आप टिक आउट कीजिए। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, अब विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए और बी का आयु का अनुपात 3:5 है, यानी कि अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो रेशियो है। जब रेशियो में दे दिया है, तो आप पहले ए का मान लीजिए वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ए का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 3x, और बी का वर्तमान आयु हो जाएगा 5x। फिर क्या बोलता है, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 में 4 हो जाएगा, तो ए का आयु क्या होगा, यानी कि 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 वर्ष के बाद अनुपात कौन सी में आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ही रेशियो में लेके चलिए, यानी कि 3x अब आई में 5x, के वर्ष के बाद बोल रहा, 9 वर्ष के बाद, तो प्लस इसमें 9 और इसमें भी 9 कीजिए, और कितना आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, इसको इससे इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 12 x और प्लस 9 × 36 इजक्वल टू 3×5 = 15x और प्लस 9 × 9 = 27। फिर क्या कीजिए, 12x ये प्लस है तो माइनस में 15x इजक्वल टू 27, ये प्लस है तो ये सेट आ गया, तो 36। 12 में से 15 चली गया तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, और 36 में से 27 गया तो आ जाएगा 9 माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस कर दिया, 3 का टेबल पड़ी, कितना बार में 9 आएगा, तो 3 × 3 = 9। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया, और किसका आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, a, तो a का आयु कौन है, वर्तमान आयु ये है ना, तो 3x है, तो 3x है, तो 3 × x का वैल्यू कितना आया, 3, तो 3 × 3 = 9, तो 9 में ऑप्शन कौन है, ये टिक आउट कीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर कौन आया, ए का। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4, x, x, 49 एक समानुपात में है, तो
एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, समानुपात समझते हैं। समान अनुपात का क्या अर्थ होता है, ये भी अनुपात में और ये भी अनुपात, यानी अनुपात में जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना, वही समान अनुपात। अनुपात क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम भी इसको अनुपात में लेंगे, 4 अनुपात x और इक्वल टू का अर्थ हुआ क्या, ये सेट क्या हो गया, बराबर, और x y में क्या 49। यहाँ से क्या, तो क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए, इसको इससे करें क्या देगा x स्क्वायर, और इसको इससे इंटू करें क्या देगा 4 × 49। तो x का x इस पर क्या चढ़ेगा, रूट 4 × 49। तो 4 करोड़ 2 और 49 करोड़ कितना 7, तो 7 का 7 साधनी का 14, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी का। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2/5, 6/25 एवं 8/35 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बाय में HCF, ठीक है, यानी कि आप पहले LCM निकाल लीजिए, ये तीनों का 2, 6, 8, और आप लोग का तरीका बताएं LCM कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो LCM देखिए निकालने का तरीका क्या, LCM सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन है, 8 है, 8 पकड़े, ये दोनों का दोनों ये 8 से विभाजित हो जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो इसको दोगुना करेंगे। देखिए 2 तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन ये 6 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या कीजिए, फिर इसको दोगुना कीजिए, दोगुना करने पे कितना आएगा 24, ये देखिए ये भी विभाजित हो जाएगा और 6 भी टेबल का क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, 6 का टेबल में 24 और 2 का भी टेबल में 24, तो कितना आया इसका एलसीएम, कितना हो गया 24। और एचसीएम देखिए इसमें अधिक पकड़ते थे ना, और एचसीएम में सबसे कम आइए, अब यदि 5 जो आया इससे भी विभाजित होना चाहिए और इससे विभाजित हो जाती है, 5 का टेबल में सब आ जाता है, तो इसीलिए एचसीएम क्या हो गया आपका 5। तो आंसर आपका कौन हो गया, 24/5। तो देखिए 24/5 कौन हो गया, ये आपका। ठीक है, समझ में आया। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दी गई आकृति में AD = 3 दे दिया है, AD = 3 दे दिया है, BD = 9 दे दिया है, और AE = 6 दे दिया, और EC का मान क्या होगा। ठीक है, तो EC का मान देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 का टेबल पड़ी कितना बार में, 9 आ रहा, 3 3 या 9 यानी 3 बार, तो आप 6 का भी टेबल कितना बार पढ़ दिए, 3 बार, तो 6 3 या कितना आ जाएगा 18, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर एक बनाने का तरीका, जब ये दोनों क्या होता है समानांतर रेखा रहता है, DE पैरेलल BC, तो ये भुजाएं और ये भुजाएं समान अनुपाती लिखा जाता है, यानी कि AD अब आई में DB इक्वल टू AE अब आई में EC, तो AD का मान 3/9 इक्वल टू AE का मान 6/5 में यहाँ रख दिए E और C, तो 3 का 3 का पड़ी के बार में कट जाएगा ये 3 बार में, और EC को 1 से इंटू करेंगे तो EC और 6 3 जा 18, तो 18 में करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, दी गई आकृति त्रिभुज ADE में BC पैरेलल क्या है DE, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है, समानांतर है, तो x का मान ज्ञात, यानी यहाँ पे कितना डिग्री है, तो x ज्ञात करने एक त्रिभुज में एक कोण ज्ञात करने के लिए 2 कोण होना जरूरी है, तो एक कोण दे दिया, तो यहाँ पे आपको कैसे लाइएगा, तो यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, कहाँ से, संगत कोण से। ठीक है, जब पैरेलल रहता है दो रेखा समानांतर रहता है, तो ये कोण का ये कोण हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 70, और त्रिभुज का तीनों कोण का योग से निकाल दिए, यानी 70 + 84 + x = 180 डिग्री, और ये दोनों जोड़ करके उधर माइनस कर दिया, यानी कि x का x 180, ये दोनों को जोड़ करके माइनस में 154, तो x = 180 में से 154 चल जाएगा, तो 26 डिग्री, यही आपका आंसर है, तो 26 कौन सा है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी हाइट कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर, आधार का ब्याज दिया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 आधा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का ब्याज क्या होगा, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना दे रहा है, वो 20 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो 2 का 2 × π का वैल्यू 22/7, और R का वैल्यू कितना हो गया
आर का वैल्यू हो गया 7/2 और हाइट कितना दिया है 14। तो ये सेवन कट गया, ये टू कट गया, इससे इसे इंटू कर दिए यानी कि 8 और 2 यानी कि 0 8 0 3 यानी कितना आया 308। और 308 को कितना आया 20 से इंटू कर दिए, ठीक है, मल्टीपल 2, तो 8 × 2 = 16 और 6 0 यानी कितना आंसर आ जाएगा 6160 रुपया। ऑप्शन कौन सा है देखिए बी आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करें, यानी जब दोनों मिल दिया जाए तो कितना दिन में समाप्त करें, यानी जब दोनों मिल जाएगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा तो कितना दिन में समाप्त होगा जो देखिए। तो यहाँ पे देखिए 20 दिन में ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो ये दोनों का कैपेसिटी निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का एक दिन का कैपेसिटी निकालते हैं, तो आप यहाँ पे 20 और 30 के एलसीएम निकाल दीजिए, जो एलसीएम निकाल के उसको नीचे में लिखिएगा, ठीक है। 20 और 30 के एलसीएम कितना आया 60, और 20 का टेबल पढ़िए कितना बार में 60 आएगा 3 बार में, ये आपका एक दिन का कैपेसिटी निकल रहा है, ठीक है। और 30 का टेबल पढ़िए कितना दिन में 60 आएगा 2 दिन में, और इसको दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों को जोड़ दिए 3 2 5। अगर वो अकेला काम करता बोल देता एक शिकार को कितना दिन में काम करेगा तो दोनों को घटा देते, ठीक है, और ये दोनों बोल रहा था इसलिए हम जोड़ दिए। तो 5 का 5 एक बार में, और कितना बार में 12 बार, तो 1/2 कितना आया 12। तो जब कार्य होता तो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा कर दिए कितना होगा 12 दिन में। तो आंसर जो 12 दिन है वो करेक्ट कीजिए, यानी 12 दिन में आपको दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, 8000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8% पे लिया, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। तो इसे पहले आप क्या निकालिए, अमाउंट आप निकालिए नहीं, टोटल पैसा ब्याज सहित तो उसको कितना देना पड़ेगा, और जितना यानी ए निकाल करके आपको फिर पी घटा दीजिए, तो यही आपका क्या ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट बराबर होता है, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है ए माइनस पी, तो पहले आप ए निकाल लिए, तो ए देखिए कैसे निकालिएगा, ये कितना है 8000 है नहीं 8000, फिर कितना पहला वर्ष कितना किया 8%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 108/100, फिर इंटू दूसरे वर्ष कितना है 9%, तो कितना हो जाएगा 109/100, और तथा तीसरे वर्ष कितना है 10%, तो हो जाएगा 110/100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 0, यहाँ पे 2 0 और 1 0 यहाँ काट दिए, 1 0 1 0 कट गया, बचा कितना 108 × 109 × 11, अब बाई में कितना 100, 10 35 93 6, और नीचे में के 0 है, और नीचे में के 0 2 0, तो 2 अंक के बाद क्या हो गया आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। और कितना से आप माइनस कर दिए 8000 से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2359.36, ठीक है, यही आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कितना है 23.3936, यानी आपका बी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी 15 पुरुष 8 घंटा काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जितना 15 पुरुष 8 घंटे और 21 दिन सब इंटू में आ जाता है, जो भी काम होता है वो सिर्फ नीचे में आता है, ठीक है। तो यहाँ काम तो कुछ हुआ नहीं, क्या काम किया वो किसी कार्य को कौन सा काम किया जो पता नहीं है, तो यहाँ पे सबको इंटू किए 15 × 8 × 21 = 21 पुरुष, फिर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितना देने में समाप्त करें, यानी कि आपको डे ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ के काटिए 21 21 कट गया, यहाँ देखिए 4 का 4 एक बार में, 4 का 4 4 × 8 15 15 × 2 = 30, यानी 30 दिन में इस काम को समाप्त करेगा, यानी कि आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है,
तो उसकी चाल ज्ञात करें, ठीक है। चाल देखिए दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, सब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया है जबकि समय मिनट में दिया है। तो आपको चाल निकालना है, तो चाल बराबर पहले फार्मूला जानी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो दूरी देखिए मीटर में दिया है और टाइम जो दिया है मिनट में दिया है, तो आप क्या कीजिए, ये मिनट को सेकंड में कर दिए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में ले आइएगा। तो दूरी कितना हो गया 600 और समय कितना दिया है 5 मिनट, तो इसको मिनट है तो सेकंड में बदलने के लिए कितना 60 से इंटू कर देंगे, तो कुंचे में आया मीटर पर सेकेंड में। तो 1 0 1 0 कट गया, कितना बार में 6 5 30 और 30 का 30 30 2 60 2 मीटर पर सेकेंड आया। आपको क्या याद करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए मीटर पर सेकेंड है आपको लाना, किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए क्या कीजिएगा 18/5 से क्या इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। 18/5 से इसे इंटू कर दिए, तो 18 दूनी कितना 36 और 22 में कितना 5, इसको डिवाइड दिए 5 7 35 0.5 का 5 5 यानी 7.2 किलोमीटर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी का, ठीक है। समझ में आया। आप क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ब्याज की दर ज्ञात की, यदि वह 10 वर्षों में दुगना हो जाती है, कितना वर्ष में 10 वर्षों में दुगना हो जाती है, दुगना कौन हो जाएगा, दुगना जो हो जाएगा यानी कि अमाउंट मेरा क्या, यानी कुल मेरा पैसा कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी हम लगाएं 100 रुपया तो हो जाएगा 20 रुपया, अगर लगाते हैं 100 रुपया तो हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो इससे पहले आप मूलधन मानते हैं कितना आप लगाते हैं, आप कुछ भी मूलधन मान सकते हैं, ठीक है। अगर मूलधन आप मानते हैं 100 तो आपको एक क्या मानना पड़ेगा 200, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 100, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है वो 10 वर्ष, तो ब्याज की दर यानी, तो आर के लिए फार्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 बाई में पी इंटू टी। तो यहाँ देखिए एस आई का वैल्यू कितना है 100 और फिर 100 और बाई में पी का मान कितना दिया गया है 100 और इंटू टाइमिंग कितना लिया है 10, तो 100 100 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, यानी कि कितना आया 10%, तो 10% जो है आपका करेक्ट है, यानी कि एक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 2x² + 7x + 5 = 0 दे दिया है हो, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको गुणनखंड की विधि के रूप में पहले तोड़िए, जैसे 2x² + 7x + 5 = 0। देखिए यहाँ पे गुणनखंड कैसे किया जाता है, शुरू लास्ट से इंटू किया जाता है, कितना आया 10, 10 को ऐसा फैक्टर किए जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7, तो 2 5 10 यानी जोड़ने पे 7 1 7 आ रहा, ठीक है। तो जो है पहले सो उतार दिए 2x² + में जो है पहले उतार दिए 5x, फिर प्लस में 2x, फिर प्लस में 5 = 0। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से कॉमन निकाली 2 गोबर तक, यहाँ x, यहाँ भी x, x x कॉमन, तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ 2 को x था तो 1 x बाहर आ गया, तो बच गया सिर्फ 1x, प्लस का प्लस, यहाँ पर x निकालिए सिर्फ क्या बच गया 5। अब आपको क्या बताएं, तो सेम टू सेम यहाँ उतारा जाता है 2x + 5 = 0। यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे क्या लीजिए, जो प्लस में 2x दे तो प्लस में 1, ठीक है। अब 2 गो में से 1 उतार दीजिए, 2x + 5 और 1 उतारिए x + 1 = 0। अब इसको 2 घर में बदल दीजिए, 2x + 5 = 0 और x + 1 = 0, तो 2x = ये प्लस है तो माइनस में 5 और ये x = ये प्लस है तो माइनस में 1 और ये गुना से गया भागा में माइनस 5/2, ठीक है। तो यहाँ आंसर देखिए 2 गो आ रहा, x का वैल्यू 2 गो, ये गो माइनस 5/2, यहाँ पे x = -1, तो यहाँ पर माइनस में 5/2 तो दिया है, माइनस 1 वाला दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।